पानीपत के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तीनों युवक सोनीपत के रहने वाले थे और पानीपत से अपने घर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सोनीपत निवासी राजीव अनिल अनुज तीनों दोस्त किसी काम से पानीपत गए हुए थे और जब वे वापस लौट रहे थे, जैसे वे सोनीपत के भिगान गांव के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों को तुरंत प्रभावित सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 1 पर शीश महल के सामने ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है, वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पता चला है कि तीनों घायल इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है, वहीं अनिल राजीव अनुज सोनीपत के रहने वाले थे। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए भाई, एक ट्रक का और कार का एक्सीडेंट हो गया जिस रोड पे शीश महल गया नज़दीक, तो हम मौके पर तीनों घायलों को पहले स्थल पर पहुँचा दिया था। उसके बाद सूचना मिली कि घायलों को तीनों का जिसमें लड़के थे, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। कार्रवाई जारी है, ट्रक वाला मुख्य ट्रक को छोड़ पा गया था। राजीव है, एक का अनिल है और एक अनुज। कहाँ के रहने वाले? सोनीपत के रहने वाले हैं। एक कबीरपुर का है, एक उमैक्स का है और एक अपना सोनीपत टीचर कॉलोनी का। कुछ पता चला सर कहाँ जा रहे थे? ये पानीपत की तरफ से आ रहे थे, अपने घर की तरफ, सोनीपत की तरफ आ रहे थे, तो ये रास्ते में हादसा हो गया। नहीं सर,